हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस के पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। तो गाइज, गुम है किसी के प्यार में इंडिया का नंबर टू शो है। टीआरपी के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता ही है हर हफ्ते कॉन्स्टेंटली, और नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ फैंस को भी खुश रखता ही है। इसके अब एक नए अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो शो की एक करेक्टर शो की एक एक्ट्रेस शो को एग्जिट करने वाली हैं, और वो हैं यामिनी मल्होत्रा। तो गाइज, यामिनी मल्होत्रा जो एक्ट्रेस हैं गुम है किसी के प्यार में, प्ले करती हैं शिवानी भुआ का रोल, और अब वो शो को क्विट करने जा रही हैं। यस गाइज, आने वाले एपिसोड्स में आपको यामिनी मल्होत्रा ये करेक्टर को प्ले करते हुए नहीं देखने को मिलेंगी। वो शो को एग्जिट क्यों कर रही हैं उसका रीज़न तो नोन नहीं है, कोई ना कोई रीज़न हो गए उनके पर्सनल, या फिर अभी के लिए हमें पता नहीं है कि रीज़न क्या है। लेकिन जैसे ही अगर रीज़न पता लगेंगे तो उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना ज़रूर पता है कि वो शिवानी बुआ का करेक्टर जो है उसको नहीं प्ले करेंगी और उनकी रिप्लेसमेंट होने वाली है। तन्वी ठक्कर एक्ट्रेस को फाइनलाइज़ कर लिया गया है, वो इस शो में रिप्लेस करने वाली हैं यामिनी मल्होत्रा को एज शिवानी बुआ। तो जो तन्वी ठक्कर एक्ट्रेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा शोज़ वगैरह में आ ही चुकी हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। तो अब गुम है किसी के प्यार में भी वो एंटर कर रही हैं, लेकिन नई एंट्री नहीं है, रिप्लेस करने जा रही हैं वो शिवानी बुआ के करेक्टर में, जो कि यामिनी मल्होत्रा पहले प्ले किया करती थी। तो ये रिप्लेसमेंट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगी गुम है किसी के प्यार में। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए गुम है किसी के प्यार में के फैंस के साथ। कमेंट्स में ज़रूर बताइए इस रिप्लेसमेंट पर आपकी क्या राय है। और ऐसे ही लेटेस्ट स्टार प्लस न्यूज़ के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसको ज़रूर दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।